स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन डीएसओ ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। डीएसओ के अनुसार सरकार द्वारा फिर से सेमेस्टर प्रणाली चालू की जा रही है, जैसे कि उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का बयान दिया है। वहीं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा कि सेमेस्टर प्रणाली के चलते शिक्षा का निजीकरण शुरू हो जाएगा एवं छात्र हित में यह नहीं होगा। वहीं इस प्रणाली में बहुत सारे ड्रॉबैक भी हैं। ज्ञापन में यही मांग की गई कि इस प्रणाली को शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाए। इस मौके पर डीएसओ के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा जी उच्च शिक्षा मंत्री के नाम इस कॉलेज प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया गया जी। अभी अखबार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि उच्च शिक्षा विभाग फिर से सन 2021 से सेमेस्टर प्रणाली को पुनः लागू करने की योजना बना रहा है जी। जो कल मंत्री जी के ज्ञान से ज्ञात हुआ, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने जो बताया, इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि सेमेस्टर प्रणाली जिसके कारण छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा था, एजुकेशन को पूरी तरीके से उसमें बर्बाद कर दिया गया था, नॉलेज को बर्बाद कर दिया गया था और शिक्षा के निजीकरण व्यापारीकरण को बढ़ावा देने वाली जो सेमेस्टर प्रणाली है जिसको आंदोलन के दबाव में सरकार द्वारा 2016 में वापस किया गया था, उसको फिर से पुनः लागू करना छात्रों शिक्षकों के साथ होता है। इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और सरकार अगर फिर से सेमेस्टर प्रणाली को लागू करने की योजना बनाती है तो छात्र संगठन डीएसओ पूरे देश भर में जोरदार आंदोलन संगठित करेगा, क्योंकि यह नीति छात्र विरोधी नीति है।